आवश्यकताओं की बात है, हम आभारी हैं कि आपने हमारे ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर्स और छोटे सिलेंडर्स को संज्ञान में लेके उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया है। आईसीयू बिस्तरों की जो हमारी कमी है सर, क्या प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स हमारे यहाँ 200 से 1000 केंद्र सरकार उपलब्ध करा पाएगी या एजेंसी उपलब्ध कराए? 200 अगर आप हमको दे दें, बाकी का एजेंसी रहेगी तो हम भी उस पर विचार कर सकते हैं, ताकि कम से कम समय में आईसीयू के बिस्तरों का हम निर्माण कर सके। इसका दबाव सबसे ज्यादा जो है सर वो आईसीयू बिस्तरों के लिए ही आ रहा है। जीएसटी के रिलैक्सेशन की बात आई थी, हो सकता है ये जीएसटी काउंसिल का मुद्दा हो, लेकिन इस पे भी पहल करने की आवश्यकता है। सर के माध्यम से भी अगर संदेश चला जाएगा कि जीएसटी की काउंसिल की बैठक 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं हो पाई है। जो दाम है सर अलग अलग वस्तुओं के, उनको कैप यदि किया जा सकता है तो उनको कैप करने की बात है सर। अलग अलग वस्तुओं के निर्माण के दाम एक ही रेमडेसिविर के अगर हम देखते हैं तो 899 से लेके 5600 से ऊपर के दाम है, तो इतने ज्यादा वेरिएशन को दाम के हम लोग समझ भी नहीं पाते और क्या इसमें कैपिंग हो सकती है। इसके बाद जो आवश्यकताएं हैं सर, वेंटिलेटर के साथ बाईपैप यूनिट मिल सकते हैं क्या, नेजल कैन्यूला इत्यादि मिल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर या उसके ऊपर की कैपेसिटी के यदि हो, ये पर्याप्त मात्रा में हमको उपलब्ध हो जाए सर। जैसे आप जान ही रहे हैं आईसीयू तो अंतिम पड़ाव हो गया, अंतिम पड़ाव के पहले के ये जो उपकरण हैं तुलनात्मक कम दाम के भी हैं और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने से राहत ज्यादा देंगे। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स 4 आपने स्वीकृत किए थे सर, एक तैयार हो गया है, क्या और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स आप उपलब्ध करा सकेंगे सर? 10 तक भी हो जाए तो हम लोग आभारी होंगे।